क्रिसमस 2023 को बाय बाय और 2024 के स्वागत के अवसर पर 10 दिनों में 8 लाख भक्तों ने साईं बाबा समाधि का दर्शन लिया। दरमियान कुछ भक्तों ने साईं बाबा की झोली में 16 करोड़ रुपए का दान किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नियमों के अनुपालन में विभिन्न खामियों के लिए गुजरात के 5 सहकारी बैंकों को दंडित करते हुए उन पर पिछले एक महीने में 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। सड़क निर्माण में लगे ट्रैक्टर को पकड़ने के बाद उसे छोड़ने और जुर्माना कम करने के लिए 10 लाख रुपयों की रिश्वत लेते हुए पेर मिली के वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रमोद आनंद राव जेनेकर उम्र 38 वर्ष को एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता 9 जून को आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 के ग्रुप ए मैच में देखने को मिलेगी, जिसमें दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीम न्यूयॉर्क में एक दूसरे के सामने होगी। ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों का आकर्षण बढ़ाने के लिए एडीए ने महत्वपूर्ण पहल की है। ताज के पार्श्व में मेहताब बाग के पास बनी 11 सीढ़ी के मैदान में 4 एकड़ भूमि पर टेंट सिटी डेवलप की जाएगी। बांग्लादेश में आम चुनाव से 2 दिन पहले शुक्रवार को देश की राजधानी ढाका में एक यात्री ट्रेन में आगजनी की गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और कई यात्री घायल हो गए। यह ट्रेन भारत की सीमा से लगे बंदरगाह शहर बेनापोल से ढाका आ रही थी। राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार रात जोधपुर भोपाल पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हुआ। अचानक हुई घटना के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। पुणे के बीजेपी विधायक सुनील कांबले द्वारा एक पुलिसकर्मी की पिटाई करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ससुन अस्पताल में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक कांबले ने स्टेज से उतरते समय पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। एक पिता ने मां की अनुपस्थिति में अपने 3 वर्षीय बच्चे को तेलंगाना में भेज दिया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से 14 घंटे में बच्चे को सुरक्षित वापस लाया जा सका, वही आरोपियों को पकड़ लिया गया। भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के साथ उनके पुराने साथियों ने 15 करोड़ रुपए का बड़ा धोखा किया। कप्तान धोनी ने अपने 2 पुराने बिजनेस पार्टनर के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।